हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और इसी थॉट के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका कंपनीज लॉ में ही कोई मेंशन नहीं है। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी तो है लेकिन कंपनी लॉ ने उसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा कि अपने बीच में उसे ऐड करें। हम बात कर रहे हैं शेल कंपनी के बारे में, जो कि एक ऐसे नेचर की कंपनी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम हमने बहुत सारी तरह की कंपनी सुनी है, प्राइवेट कंपनी सुना, पब्लिक कंपनी सुना, ओपीसी भी सुन लिया 2013 एक्ट में, बट ये शेल कंपनी है क्या? तो आइए उसका जवाब ढूंढते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जब खुलती है तो वो फिजिकली खुलती है। इफ वे से इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो फिजिकली आपको एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये सब चीजें शेल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। जब हम बात करते हैं शेल कंपनी की तो वो बोलते हैं ये इस नेचर की कंपनी है जो पेपर्स पे तो दिखाई देती है लेकिन फिजिकली नजर नहीं आती है। जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर पे ही लिमिटेड है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक्चुअली नहीं होती हैं, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं शेल कंपनी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो ना सिर्फ आपको शेल कंपनी का अच्छे से मतलब समझ में आएगा, उसका पर्पस समझ में आएगा, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका क्रिएशन कैसे होता है। इसके साथ हम डील करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो हमें इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे वे में समझने के लिए हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है। अ शेल कंपनी इज अ कंपनी दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे दिखाई देती है, एक्चुअली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस, इसके कोई एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होते, ये कुछ काम नहीं कर रही होती, ये काइंड ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी होती है। आई होप आपको वर्ड डॉर्मेंट का मतलब पता होगा। डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने ऑपरेशंस नहीं कर रही होती है, वो अपने ऑपरेशंस बंद करके बैठी होती है, तो ये भी काइंड ऑफ एक डॉर्मेंट कंपनी है क्योंकि ये ऑपरेशंस नहीं कर रही है। फिर ये बोलते हैं ना ही इसके पास कोई सिग्निफिकेंट असेट्स होते हैं, ना एम्प्लॉयज होते हैं और ना ही कोई ऑफिस होता है। तो ऐसा मानिए पेपर्स पे ये कंपनी जरूर है लेकिन ना ही इसके पास एम्प्लॉयज है, ना ही इसके पास असेट्स हैं और ना ही कोई ऑफिस होता है इसका। अब क्वेश्चन आएगा, फिर क्या है, फिर क्यों है, काहे, किस लिए हमने शुरू किया ये चीज़? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आई है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो ज़रूर होगा। तो यस, जब इस चीज़ का इजाद हुआ तो उस टाइम पे किसी ने सोचा तो होगा ना कि इस चीज़ को लाने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस तो रहा ही है। आइए उस पर्पस के बारे में जानते हैं हम। ये बोलते हैं ये कैसी इनएक्टिव कंपनी है, एक्टिव तो है नहीं तो क्या होगी, इनएक्टिव होगी, तो ये कैसी इनएक्टिव कंपनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है, जो फाइनेंस को घुमाने का काम करती है। जब हमें बहुत सारा फाइनेंस एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में पहुंचाना होता है, एक से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट करवाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं ऐसी शेल कंपनीज को। मनी लॉन्ड्रिंग में भी शायद कुछ ऐसा ही करते थे आप, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो उसमें भी हम अकाउंट्स को बार बार घुमाते थे सो दैट उसका ओरिजिन ना पता चले। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं शेल कंपनी भी उसी में ही इस्तेमाल होती है। तो यस, बिल्कुल बोल सकते हैं कि शेल कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। फिर ये बोलते हैं इट केप डॉर्मेंट फॉर फ्यूचर यूज इन सम अदर कैपेसिटी। इसे हम समटाइम्स डॉर्मेंट स्टेट में भी रखते हैं ताकि हम इसे फ्यूचर में अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। सो ये काइंड ऑफ एक लेजिटिमेट पर्पस है, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम जानते हैं और चीज़ों के बारे में। ये बोलते हैं बताइए क्या कंपनीज एक्ट में कुछ इसका मेंशन है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नहीं, कंपनीज एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो न्यूज़पेपर से आई, जो न्यूज़ छापने वाले लोगों ने अपनी तरफ से इजाद की, जब उन्हें और कोई नाम नहीं सूझा तो उन्होंने इसे शेल कंपनी का दर्जा दिया, का नाम दिया। देन दे से एक क्वेश्चन उठा कि क्या शेल कंपनी हमेशा इलेजिटिमेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, क्या हमेशा इसे इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
तो आंसर है नहीं। हमेशा शेल कंपनी नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है, जब भी शेल कंपनी का नाम लिया जाता है वो बोलते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव पर्पस रहा होगा, तो उसका आंसर है नहीं, इट्स अ मिथ। शेल कंपनीज को समटाइम हम पॉजिटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसका आंसर यू विल गेट इन दिस लाइन। ये बोलते हैं शेल कॉर्पोरेशंस कैन बी यूज्ड फॉर इलीगल पर्पसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी का ट्रांसफर करना हो, इन सारे इलीगल पर्पसेस के लिए कहीं ना कहीं शेल कंपनी इस्तेमाल होती है, नो डाउट। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव पर्पसेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसे हम लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमें फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो और हमें पता हो कि अभी ये फंड्स आइडली पड़े रहने वाले हैं, तो इसके लिए भी हम कभी कभार क्या करते हैं, शेल कंपनी खोल लेते हैं। तो बेसिकली हम लेजिटिमेट पर्पस मतलब फ्यूचर की सोच के आज से फंड स्टोर करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम शेल कंपनी खोल लेते हैं। तो यहां से आपका एक मिथ दूर होता है कि शेल कंपनी हमेशा ही इलीगल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल होती है, तो ऐसा नहीं है। Then they say people usually open shell companies in tax haven countries. अब ये क्या होता है? ये होता है, ये एक ऐसी कंट्री होती है, ये एक्चुअली एक ऐसी कंट्रीज होती हैं जो बेसिकली टैक्स प्रोविजंस को बहुत ही रिलैक्स वे में रखती हैं। अनलाइक इंडिया, इंडिया में टैक्स को लेके एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, जानते ही होंगे आप। लेकिन ये कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रखा जाता, तो ऐसे में आपको ऐसी कंपनीज खोलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यूजुअली अगर आप शेल कंपनीज देखेंगे तो ऐसे ही एरियाज में देखेंगे जहाँ पे टैक्सेशन प्रोविजन इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। So, ये था कुछ ज्ञान किसके बारे में, शेल कंपनी के बारे में। क्या होती है, एक इनविजिबल बॉडी है जो सिर्फ पेपर्स पे दिखाई देती है, एक्चुअली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसे हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे में फॉर्म कर सकते हैं, इसे हम नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव पर्पसेस में आता है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी का ट्रांसफर करना, और पॉजिटिव पर्पसेस में आता है फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के खोलना। तो बेसिकली ये एक ऐसी डॉर्मेंट कंपनी है जो अभी ना ऑपरेशंस कर रही है, ना स्टाफ है इसके पास, ना ही इसके कुछ असेट्स हैं और ना ही ऑफिस है, बट स्टिल कंपनी ज़रूर है। तो दिस इज़ वॉट शेल कंपनी। आइए अब जानते हैं कि शेल कंपनी खोलना कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे वो स्टेप्स होते हैं, क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जो हम पूरे करके एक शेल कंपनी को खोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वन लाइनर काइंड ऑफ है, एक बार डायग्राम देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग। सबसे पहले ये बोलते हैं चूज अ टैक्स हेवन कंट्री, एक ऐसी कंट्री चुनिए जहाँ पे टैक्सेशन प्रोविजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी कंट्री ढूंढनी है, जब आपने वो कंट्री लोकेट कर ली वहाँ पे आप खोलेंगे एक कॉरपोरेशन। यही आपकी फ्यूचर में शेल कंपनी होने वाली है, क्योंकि आपने ये सिर्फ नाम मात्र के लिए ही खोली है। अब एक बार आपकी कॉरपोरेशन खुल गई तो उसके बाद अपॉइंट करेंगे एक नॉमिनी जो आपके सारे अफेयर्स देखने का काम करेगा। भैया देखिए, कोई भी चीज़ चाहे वो इनविजिबल चाहे वो ऑन पेपर्स ही क्यों ना हो, बट वी नीड समबडी जो उसकी देखरेख कर पाए, जो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख पाए और आपको टाइमली इंटीमेट करते रहें अगर कुछ भी इधर उधर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नॉमिनी को हायर करेंगे, उसके बाद आप एक अकाउंट खोलेंगे उसी रीजन में। यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है उसी रीजन में जहाँ पे आपकी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, और वहाँ से आप मूव करेंगे मनी, जिससे मनी का हेर फेर हो रहा है, जिसके लिए आपने शेल कंपनी शायद खोली है, और उसके बाद फाइनली यू कैन स्पेंड दैट मनी, क्योंकि वो इतना हेर फेर करने के बाद कहीं ना कहीं अपना ओरिजिन का बेस लूज कर चुकी है, जिसकी वजह से अब आपको कोई डर नहीं है ब्लैक मनी को इस्तेमाल करने में। सो ऐसे क्रिएट की जाती है एक शेल कंपनी, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। टैक्स हेवन कंट्री चुनिए, वहाँ पर कंपनी खोलिए, वहाँ पर कंपनी खोलना वैसे भी बहुत ईजी काम होता है,
उसके बाद एक नॉमिनी हायर कीजिए, एक अकाउंट खुलवाइए, मनी का ट्रांसफर कीजिए और दिल खोल के फिर मनी स्पेंड कीजिए। इस तरह से होती है हमारी क्या शेल कंपनी की क्रिएशन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट गया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से हमें लिख के भेज दीजिए ताकि हम उसका टाइमली रिप्लाई कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा नॉलेजेबल स्टफ आपके सामने आने वाला है इन फ्यूचर टाइम। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये स्लाइड्स चाहिए जिनका इस्तेमाल इस वीडियो में हो रहा है, तो आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आई एम प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप ये सारा स्टफ ले सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।